Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. So in this video I am going to discuss about diseases of maize, in which we will discuss about brown streak downy mildew, sugarcane downy mildew, fusarium stalk rot. So let's get started. In this video we will discuss the symptoms, causal organism, etiology and control. So first of all we have to start with the downy mildew or brown streak of maize. So brown streak downy mildew, maize is most destructive nature of disease. सबसे ज़्यादा खतरनाक disease है ये brown streak downy mildew. And this disease mainly found Rajasthan and all growing state of India. जिस state में भी maize को grow किया जाता है and mainly Rajasthan में downy mildew या फिर brown streak जो disease है maize की वो पाई जाती है. Causal organism है इसका Sclerophthora रायशिया. सो सिम्टम्स की बात करेंगे. डिजीज सिम्टम्स ऑब्जॉर्व किया जाता है लीव्स के ऊपर में व्हेन इसका जो है वो लिमिटेड रहता है एंड विल्टिंग जनरली दिखाई पड़ती है टॉप लीफ में. जो लीव्स है वो डल ग्रीन कलर के होते हैं, उनका कलर जो है कम होने लगता है एंड फिर ड्राई हो जाता है. सीवियर इन्फेक्शन होता है इसके कारण से ये इनमें ब्लॉचिंग दिखने लगती है. सो एटियोलॉजी में क्या है कि कॉनिडियो स्पोर्स का जो लेंथ है 160 से 170 μm होता है. स्पोरेंजिया डेवलप होता है ऑप्टिमल 22 से 25 डिग्री सेल्सियस पे एंड 300 से ज़्यादा स्पोर्स 18 से 30 डिग्री सेल्सियस पे डेवलप होते हैं. डिजीज साइकिल में है कि जो इसके जूस स्पोर्स हैं इन्फेक्टेड प्लांट के वो पूरे विंटर में सर्वाइव करते हैं. मीन्स हो सकता है कि वो सीड्स में स्टोर रूम में करें या फिर सॉइल के अंदर करें. फंगस ओवर विंटरिंग लीव्स में करता है एंड इसके बाद में प्राइमरी इन्फेक्शन दिखाई पड़ेगा जब इसका सीजन आएगा. देन स्पोरेंजिया रिलीज होगा जूस स्पोर से देन फिर से जूस स्पोर इन्फेक्ट करेगा प्लांट को. तो ये प्रोसेस चलते रहेगा. मैनेजमेंट के लिए हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे सीड का 50 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए और जो भी बर्न इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज हैं उसे रिमूव करेंगे और रेसिस्टेंट वेराइटी यूज़ करेंगे. सो नेक्स्ट हमारा है शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज. डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज रिपोर्टेड हुआ था इंडिया के कुछ स्टेट्स में. बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर का डिजीज़ है डाउनी मिल्ड्यू जो मेज का है वो राजस्थान और वेस्टर्न स्टेट में पाया गया था. सिम्टम्स की बात करेंगे तो ये नॉर्मली लीफ सर्फेस पे दिखाई पड़ता है एंड फर्स्ट अपियरिंग 3 से 6 दिन में हो जाती है. इसका इन्फेक्शन जो है पेल येल्लो और वाइटिश कलरेशन होता है लीफ ब्लेड्स के ऊपर. टैशल्स जो है वो डिफॉर्म हो जाते हैं, ईयर भी एबॉर्ट हो जाते हैं, लीफ इलोंगेटेड क्लोरेटिक स्ट्रिक्स बन जाती हैं लीफ के ऊपर में एंड डाउनी ग्रोथ होता है कॉनिडिया का. मीन्स जो कॉनिडिया है वो नीचे साइड में बनता है. कॉजल एजेंट इसका पिरेनो स्क्लेरोस्पोरा सैकारी है एंड एटियोलॉजी की बात करेंगे कॉनिडियोस्पोर्स एंड पेरेना स्क्लेरोस्पोरा सैकारी. ये रिपोर्ट ये नॉर्मली 140 to 220 μm के होते हैं एंड स्पोरेंजिया जो डेवलप होता है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री और जूस स्पोर्स जो है 18 टू 30 डिग्री सेल्सियस पे डेवलप होता है. नेक्स्ट अब हमने देखना है डिजीज साइकिल के लिए. तो स्पोरेंजिया जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर जो है 22 से 25 डिग्री चाहिए एंड जूस स्पोर के लिए 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए. ओके जो ऊ स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं इन्फेक्टेड सीडलिंग से एंड इन्फेक्टेड सीडलिंग से डिजीज सीडलिंग बनेगा. देन स्पोरेंजिया बनेगा जो कि इन्फेक्टेड लीव्स उस पर होंगे वो फॉर्म होंगे. देन ग्रीन ईयर्स बनेंगे वो भी इन्फेक्टेड होंगे. स्पोरेंजिया जर्मिनेट होगा ऊ स्पोर फिर से फॉर्म होगा डिजीज लीव जो है जाएंगी सॉइल के अंदर फिर ऊ स्पोर जो सॉइल के अंदर जाएगा. तो ये प्रोसेस जो है चलते रहेगा. अब हमारा है नेक्स्ट डिजीज जिसका है नाम है फ्यूजेरियम स्टॉक रॉट ऑफ मेज. तो इसके सिम्टम्स है रूट रॉटिंग होती है रूट में जो क्राउन रूट्स होती हैं उसके अंदर एंड लोअर इंटरनोड्स में रॉटिंग हो जाएगी. प्लांट विल्ट करेगा एंड ग्रेस ग्रीन ब्लू और ये फिर से टैन हो जाएगा. देन स्टॉक जो है वो स्पॉन्जी हो जाते हैं, स्क्वीजी हो जाते हैं एंड इजीली उसे क्रश किया जा सकता है उसके इंटरनोड्स को भी. कॉजल एजेंट इसमें फ्यूजेरियम ग्रामेनियम है. मैनेजमेंट के लिए हम हाइब्रिड यूज़ करेंगे एंड रेसिस्टेंट वैराइटीज़ को यूज़ करेंगे ताकि लीफ डिजीजेस जो है अब ना हो. जो भी रेसिस्टेंट रहेंगे लीफ डिजीजेस के वैसी वैराइटी यूज़ करेंगे. क्रॉप रोटेशन करेंगे, जो भी इन्फेक्टेड प्लांट की डिब्रीज हैं रेजिड्यूज उसे रिमूव करेंगे एंड
हम रूट वॉर्म्स जो है, कॉर्न रूट वॉर्म्स एंड कॉर्न बोरर्स, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, एंड लीव डिजीजेस को कंट्रोल करेंगे, फंगीसाइड जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसे यूज़ करेंगे। इस तरीके से हमारा मेज भी कंट्रोल हो जाएगा, जो भी मेज के डिजीजेस हैं वो भी कंट्रोल हो जाएंगे। सो इसके साथ हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, एंड जो भी मुझे DFCM के कोर्स में जो भी मुझे पढ़ने थे क्रॉप्स के लिए, जो भी मेरे सिलेबस में थे, तो ऑलमोस्ट जो इम्पॉर्टेंट है तो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था मेज के बारे में स्पेशली। एंड जो भी इसके अदर वीडियोज़ हैं उसके लिए मैं अभी प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगी, जो भी बाकी डिजीज जस्ट लाइक वीट हो गया, राइस, बाजरा, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सेसमे, सुगर केन, कॉटन, इन सब पे मैंने पहले वीडियो बना रखा है, तो आपको अगर देखना हो तो आप देख सकते हो उस प्लेलिस्ट में जाके। एंड फाइनली मेज पे भी मैंने वीडियो बना दिया है। सो अगर आपको किसी और भी क्रॉप पे चाहिए होगा तो आप मुझे इन्फॉर्म करना, मैं उस पर भी ट्राई करूँगी कि वीडियो बना लो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय।